Hello friends, I am Umang Tiwari. Welcome you again my next show, next session on Let's Crack SSC and Railways Exam. YouTube पर Academy का ये channel है जहां पर आप मेरे साथ पढ़ेंगे आज Press Information Bureau Government of India के important release क्या क्या है, क्या क्या important चीजें रही. वैसे तो मैंने PIB जब देखा आज का तो एक ही news जो है मुझे मिली majorly और वो थी कोरोना वायरस से रिलेटेड. कोरोना वायरस के रिलेटेड जो है गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है वो सारी अपडेट जो मैंने आपको अपने हिंदू के पुराने पेपर में दे दी. तो कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज, एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज, कुछ और इंटरनेशनल जो हमारी न्यूज एजेंसीज हैं चाहे वो द डिप्लोमेट हो, गार्जियन हो, इससे इम्पोर्टेंट कुछ रिलीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपके लिए वो एग्जाम में काफी काम आएगा. और एक जो मैं करंट का या फिर मैं कहूं स्टैटिक जीएस का ज्योग्राफी का पोर्शन आज मैं आपके साथ एक डिस्कस करूंगा. मेजर प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो महत्वपूर्ण पठार हैं, मेजर प्लेट्यूज जो हैं दुनिया के वो क्या क्या हैं, किस तरीके से कहां कहां उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे कि आपका स्टैटिक जीएस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए. लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवेज एग्जाम पोर्टल पर हो आप मेरे साथ. यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं इंडिया के टॉप एंड रिनाउंड एजुकेटर्स, जो रिनाउंड एजुकेटर्स हैं अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो, जनरल स्टडीज हो, इंग्लिश हो या फिर रीजनिंग हो, सारे ही एजुकेटर आपको बहुत ध्यान से पढ़ा रहे हैं. रेगुलर सेशंस आपके चल रहे हैं. अभी आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उनके साथ लगातार जुड़े रहिए और अपनी स्टडीज को जो है वो रेगुलरली आप आगे बढ़ाते रहिए ताकि कोई भी टॉपिक जो है वो आप मिस ना करें, कोई भी टॉपिक जो है आपका वो मिस ना हो और आप लगातार जो है वो सेशन से जुड़े रहिए. मैं आपके साथ जनरल स्टडीज को कंप्लीट कर रहा हूँ. जीएस और करंट अफेयर्स में लगभग पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ. मैंने खुद भी कई एग्जाम दिए हैं, पास किए हैं और 5000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं वो अप्रोच जो है था जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो अप्रोच मैं आपके साथ यूटिलाइज करता हूँ ताकि आप भी अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें. लगातार 2 सेशन मेरे आपके साथ सुबह होते हैं, 8 AM एंड 9 AM. 8 बजे का हिंदू का सेशन आज का हो चुका है. नेक्स्ट सेशन में हम आ गए हैं PIB नोटिफिकेशन अपडेट. लेकिन अगर मैं मौके को देख करके अगर आपका एग्जाम कोई करीब होता है तो उस चीज को फिर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं जैसा कि आज के मैंने सेशन में किया है. अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना होगा. इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये SSC एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए, UPSC के लिए. आप अनअकैडमी को ज्वाइन करिए और अपना जो कोर्स जिसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो, जो एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, उसका आप प्रिपरेशन कीजिए. बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में, बहुत ही इंटरेक्टिव मैनर में आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है. अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल करिए. आप कर सकते हो ऐप स्टोर पे, कर सकते हो iOS में, आप iOS में और गूगल प्ले पे आपको ये मिल जाएगा. एंड्रॉइड में आप इसको इंस्टॉल करिए और अपना जो सब्सक्रिप्शन पीरियड है उसको डिसाइड करिए. सबसे इफेक्टिव और सबसे रीजनेबल जो प्राइस है वो आपको 12 मंथ और 24 मंथ के पीरियड पर मिल रहे हैं. 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका 7200 का है, बट इफ यू अप्लाइड माई रेफरल कोड लाइव यूटी तो आपका यही पीरियड जो आपका अमाउंट है वो हो जाएगा 6480 रुपीज. 6480 रुपए में यू विल बी एबल टू हैव स्टडीज विद अनअकैडमी फॉर 24 मंथ, 2 साल के लिए. और उसी तरीके से 1 साल के लिए आपका जो प्राइस है दैट इज 6000 रुपीज, बट इफ यू अप्लाई माई रेफरल कोड द इफेक्टिव प्राइस आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका इफेक्टिव प्राइस जो है वो होगा 5400 रुपीज. तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन करिए, इट इज वेरी हाई टाइम टू ज्वाइन अनअकैडमी. 9 बज गया है सुबह का. आज 14 मार्च का मेरा सेशन है. देखिए आज मैं सेशन में बहुत ही अच्छे जो है वो न्यूज लेकर के आया हूँ. PIB की न्यूज तो नहीं है, चैनल जरूर PIB के नाम से है, लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया की जगह आज मैंने रिलेटेड टॉपिक को लिया है. एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो, जियोग्राफिकल इश्यूज हो, तो मैंने जो टॉपिक सबसे पहले लिया है ये आपका द डिप्लोमेट से ये टॉपिक मैंने उठाया है. द डिप्लोमेट, विल क्लाइमेट चेंज डीरेल द एशियन कंट्री. देखिए जैसा कि 21st सेंचुरी को आप सभी या हम सभी जानते हैं कि 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी द सेंचुरी ऑफ एशिया. एशिया की जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो होल्ड करेंगी एशियन सेंचुरी को, यानी ग्लोबल जो ट्रेंड है, इकोनॉमिक जो ट्रेंड है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट 21st सेंचुरी में शिफ्ट होगा आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ. वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो आपका इकोनॉमिक पावर जो है वो शिफ्ट होगा. आप चाहे रशिया हो, जापान हो, चाइना हो या फिर इंडिया हो, जो मेजर इकोनॉमीज हैं इस समय वर्ल्ड की वो और ज्यादा डेवलप करेंगे. लेकिन ये जो प्लान है,
ये जो एक फोरकास्ट लगाया है सभी ने कि एशियन सेंचुरी होगी 21st सेंचुरी, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं जो है डिरेल होता हुआ दिख रहा है, पाथ से हटता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जिस स्पीड से दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इट विल नॉट बी सो इजी फॉर द कंट्रीज ऑफ एशिया। एशिया की कंट्रीज के लिए ये इतना आसान नहीं होगा कि उसी स्पीड पर वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो करते जाए, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होगा तो इन्वायरमेंट को भी कहीं ना कहीं जो है वो चोट पहुंचेगी, और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो जो प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो कहीं ना कहीं हॉल्ट होगा, वो रुकेगा। तो इसी ट्रेंड को हम देखेंगे। देयर इज अ ग्लेयरिंग डिस्कनेक्ट बिटवीन क्लाइमेट साइंस एंड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नैरेटिव ऑफ अ राइजिंग एशिया। यानी राइजिंग जो एशिया है, मैंने यहाँ पर देखिए ग्लोब लिया है, तो यहाँ पर आप रशिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, रशिया, चाइना, जापान, इंडिया, ये जो मेजर आपके इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, इनका जो प्लान है कहीं ना कहीं वो गड़बड़ाएगा क्लाइमेट की वजह से। क्लाइमेट प्रोजेक्शंस नाउ पॉइंट टुवर्ड ग्लोबल वार्मिंग फार बियॉन्ड द 1.5 डिग्री सेल्सियस डेंजर लाइन आइडेंटिफाइड बाय साइंस। साइंस इन द सेंस कि जो आपका एनवायरमेंट के जो जानने वाले लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी कि जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ पूरी दुनिया में, उससे पहले के जो टेम्परेचर थे और अब जो टेम्परेचर है उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से अगर आप ऊपर गए तो इन्वायरमेंट में आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, इन्वायरमेंट में आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और उस इम्पैक्ट को कर्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने प्रोसेस जो है उसको बदलना होगा, हमें उस प्रोसेस को बदलना होगा, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें जाना पड़ेगा। एशियाज इकोनॉमिक हॉटस्पॉट्स विल बैडली अफेक्टेड, दिस कुड नॉक द रीजन ऑफ इट्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। यानी एशिया के जो इकोनॉमिक जो बायोलॉजिकल या फिर बायोडाइवर्सिटी के जो हॉटस्पॉट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो डिसरप्ट होंगे, कहीं ना कहीं वो हॉटस्पॉट्स जो है वो बिल्कुल नॉकडाउन हो जाएंगे, वो गड़बड़ा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और इससे इंडिया की जो हमारे एशिया का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, जो हमारा ग्राफ है, जो एक स्टडी जो है हमने ग्रोथ मेंटेन किया है एशिया में, वो ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं आपका स्लो डाउन होगा, वो ग्रोथ जो है नीचे आएगा। जस्ट अ फ्यू इयर्स अगो नो वन कुड बी फॉल्टेड बाय प्रेडिक्टिंग दैट 21st सेंचुरी वुड बी एशिया, एशिया की होगी आने वाली सदी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं था, सभी इस बात को लेकर के जो है वो कंफर्म थे। इफ एनीथिंग इट सीम लाइक अ सेफ बेट, बाय ऑल फंडामेंटल मेजर्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर हैज शिफ्टेड ईस्टवर्ड। According to the World Economic Forum, Asia's combined GDP is set to surpass the combined GDP of the rest of the world. यानी एशिया का जो GDP होगा वो आने वाली पूरी दुनिया के GDP से ज्यादा होगा, पूरी दुनिया के GDP से ज्यादा एशिया की कंट्रीज का GDP होगा। But इससे होगा क्या, 21st सेंचुरी की जो प्रोग्रेस है उसमें इतना ज्यादा अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है उसका भी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा, आपका एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन जो है वो बढ़ेगा। द वेल्थ ऑफ नेशंस इज नॉट जस्ट बिल्ट ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज, अबव ऑल इट रेस्ट ऑन स्टेबल प्रिडिक्टेबल एंड रिकरिंग क्लाइमेट पैटर्न्स विद इन अ नैरो टेम्परेचर बैंड, दिस इनेबल्स एग्रीकल्चरल सरप्लस, ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लाइकवाइज एक्सेस टू क्रेडिट एंड इंश्योरेंस डिपेंड्स ऑन प्रिडिक्टेबल एंड मैनेजेबल क्लाइमेट रिस्क। यानी आपका अगर क्लाइमेट का रिस्क बढ़ता है, अगर आपके नेचुरल डिजास्टर का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ता है, तो आपका चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो आपके इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपकी ट्रेड हो, एग्रीकल्चर हो, क्रेडिट या फिर इंश्योरेंस सेक्टर हो, वो सभी जो है वो आपके हॉल्ट होते हैं, वो सभी जो है वो कहीं ना कहीं रुकते हैं, क्योंकि रिस्क जो है वो आपका बढ़ जाता है। किसी भी इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो बिल्कुल हिल जाता है अगर वो देखता है कि भाई इस कंट्री में या इस पर्टिकुलर एरिया में क्लाइमेट का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा है। IPCC एक संस्था है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC एक संस्था है जो डेटा को मेंटेन करती है, और कोई भी देश की गवर्नमेंट या फिर UN यूनाइटेड नेशंस अगर कोई पॉलिसी फॉर्मेशन करना चाहता है तो उस पॉलिसी फॉर्मेशन करने के लिए जो रिक्वायर्ड आपका डेटा है वो रिक्वायर्ड डेटा आपको IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो प्रोवाइड कराता है। और IPCC के मुताबिक जो है वो गोइंग फ्रॉम 1.5 टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मेक्स अ बिग डिफरेंस। यानी 1.5 डिग्री
से अगर आप 2 डिग्री पर पहुंचे यानी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर आपका जो है वो अगर इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर का, तो वो इंक्रीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। आपको पता है लगातार कई सालों से 2015, 2016, 2017, 2018 ये सारे ईयर्स जो हैं आपके वो कहीं ना कहीं मोस्ट वार्म ईयर रहे हैं ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। यानी जब से हम डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं ये जो साल है, फिर आप 19 भी ले लीजिए, ये जो ईयर्स हैं कहीं ना कहीं मोस्ट वार्म ईयर रहे हैं। तो लगातार जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहे हैं और आईपीसीसी का ऐसा कहना है कि 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का भी अगर और टेम्परेचर का राइज हुआ तो इट इज गोइंग टू इफेक्ट वेरी बैडली टू द एनवायरमेंट ऑफ आवर अर्थ। तो ये एक मैंने न्यूज था जो आपके लिए लिया कि एशिया को जो एक माना जा रहा है, ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, आईपीसीसी के बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईपीसीसी क्या है, कैसे ये काम करती है और क्या इसका बेसिक काम है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इस न्यूज को कवर किया कि किस तरीके से जो ग्लोबल डेवलपमेंट का ट्रेंड है 21st सेंचुरी में वो शिफ्ट हो रहा था आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी यूरोप और अमेरिका से वो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा था एशिया का तरफ, लेकिन अब जाकर के हमें पता लगा है कि वो जो डेवलपमेंट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कहीं ना कहीं हम और ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ ना जाकर के अगर हम एनवायरमेंट के नजरिए से देखें तो वी आर गोइंग मोर बैकवर्ड्स, हम और ज्यादा जो है वो बैकवर्ड्स जा रहे हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल सेकेंड न्यूज आज का देखिए, कॉन्ट्रोवर्शियल हाइडल प्रोजेक्ट इन इंडिया नॉर्थ ईस्ट ऑन वे टू कंप्लीशन। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में जो है आप जानते हैं कि काफी जो है रिवर्स हैं जो कि नेचुरल जो है आपका वहां पर डैम जो है वो बनते हैं, तो और जो आर्टिफिशियल डैम जो मैन मेड डैम है उनको बनाने के लिए काफी एक प्रोटेस्ट हुआ है। मैं आपको रिलीज दिखाता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में आपका सुबनसिरी जो लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये इसका एक पिक है। तो लोअर सुबनसिरी जो आपका रिवर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो लग रहा है, वो प्रोजेक्ट में असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने काफी उसमें प्रोटेस्ट किया। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है हमारा एनजीटी ने भी उसके ऊपर जो है वो स्टे लगाया था कुछ टाइम के लिए और उन्होंने कहा था कि आप इसके जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट हैं पहले उनको एसेस करिए, उनकी स्टडी करिए और तब हमें बताइए कि ये बनने लायक है या नहीं है। और उसके बाद अभी जो है उसको क्लियरेंस मिल गई है, एनजीटी ने उसको क्लियर कर दिया है, लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सुबनसिरी जो रिवर है हमारा नॉर्थ ईस्ट का उस पर ये बना हुआ है, सुबनसिरी रिवर पर ये आपका जो डैम है वो बना हुआ है। द लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट विच विल प्रोड्यूस 2000 मेगावाट ऑफ पावर इज बींग डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसी है, जो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी है इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट जो काउंसिल बनाई गई है एनईसी नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल, उसके डेवलपमेंट के लिए आपका जो है लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 2005 में शुरू हुआ बट जो 2010 में कंप्लीट होने वाला था, लेकिन जो प्रोटेस्ट करे वहां के लोगों ने और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को एसेस करने के लिए एनजीटी ने जो है वो उसको हॉल्ट किया प्रोसेस को, तो अब जाकर के वो है वो सारे प्रोसेस क्लियर हुए हैं और अब ये आपका जो डैम है वो बनेगा और उसके बाद 2000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डेवलप करने में ये कामयाब होगा। लीडर्स एट द वैनगार्ड ऑफ द एजिटेशन हैड साइटेड न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ फ्लडिंग इन असम व्हेनेवर वाटर वॉज रिलीज फ्रॉम द राणा रंगा नदी डैम इन अरुणाचल प्रदेश एंड कुरिश्ना इन भूटान। तो कुरिश्नु जो भूटान की एक रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर है, आप ध्यान रखिएगा कुरिश्नु रिवर, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि कुरिश्नु रिवर जो है वो किस देश में जो है बहती है और वो भूटान से होते हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट में आती है, और भूटान में जब वो डैम से पानी छोड़ा जाता है कुरिश्नु रिवर के ऊपर से, तो काफी जो है फ्लडिंग सिचुएशन हो जाती है असम और अरुणाचल में, और रंगा नदी डैम जो अरुणाचल प्रदेश का है वहां से भी जब पानी आपका छोड़ा जाता है तो इसी तरीके का सिचुएशन होता है। इसी वजह से सुबनसिरी रिवर के ऊपर जो आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा था सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको लेकर के जो हॉल्ट किए गए लोगों द्वारा जो प्रदर्शन किया गया प्रोटेस्ट किया गया वो भी इसी कड़ी में किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे हमें फायदे से ज्यादा जो है वो नुकसान होगा। और एक पॉइंट जो निकल करके आया इसको लेकर के कि जियोलॉजिकली और सिस्मोलॉजिकली ये एरिया जो है वो सेंसिटिव है,
यानी भूकंप की दृष्टि से अगर आप देखें तो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक वल्नरेबल एरिया है, काफी प्रोन है, प्रोन टू अर्थक्वेक है, काफी वहां पर भूकंप आने की जो है वो संभावना रहती है, और इसी वजह से वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बाई चांस अगर भूकंप आता है तो काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। रंगा नदी डैम आपका बना है अरुणाचल प्रदेश में, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। कुरुश्नी जो रिवर है, कुरुश्नी रिवर जो कि भूटान में बहती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और सुबनसिरी नदी, नदी पर जो है वो बन रहा है आपका ये डैम। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज था, मैंने लिया क्योंकि एनजीटी का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, जो कि एक आपका एजुकेटिंग बॉडी है और ये एनवायरमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टडी ये करती है। अभी मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अगला जो है वो मेरा न्यूज है, अगली जो मैं एक ये टेबल आप देख रहे हो, ये हमारे ग्लोब जो है, हमारे धरती पर जो महत्वपूर्ण पठार जो स्थापित है, महत्वपूर्ण पठार जो है, या फिर आप इसको इंग्लिश में जो है प्लेट्यू कह सकते हैं। तो मेजर प्लेट्यूज जो है वर्ल्ड के, उसका ये मैं लिस्ट लेकर के आया हूं क्योंकि CHSL का एग्जाम जो है आपका होने वाला है 2019 का। तो इंपॉर्टेंट जो आपके प्लेट्यूज है, इंपॉर्टेंट जो आपके रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान आपको पता होने चाहिए कि कौन सा रेगिस्तान कहाँ है। अक्सर आपसे एग्जाम में जो है ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला आपका आता है तिब्बतन प्लेट्यू, यानी तिब्बत का पठार। आप जानते हैं कि ये सेंट्रल एशिया में ये जो है बना हुआ है, इंडिया के पास चाइना, और ये जो तिब्बत का एरिया है यहां पर ये पठार पाया जाता है। इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत जो है हम इसको कहते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा ये पठार है। और माउंट एवरेस्ट एंड केटू दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं उन चोटियों के बीच में जो है ये पठार जो है वो स्थापित है, और कहीं ना कहीं इसको हम इसीलिए दुनिया की छत कहते हैं। और ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इस पॉइंट को आप देख लीजिए कि इंडो ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट थी उसके यूरेशियन प्लेट जो टेक्टोनिक्स है उसके कॉलिजन से, यानी इंडो ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट थी, जो कि माना जाता है कि अगर आपको हम यहां से लेकर के चलें, सपोज यहां पे मैं इंडिया को ड्रॉ करता हूं, यहां पर आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया आपका अफ्रीका, ये मिडिल ईस्ट को आप ले लीजिए और यहां पर आ गया आपका अफ्रीका। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है पहले पुराने टाइम पर पैंजिया जब हम इसको कहते थे तब ये पूरा एक ही महाद्वीप था, और जब ये एक दूसरे से अलग हुए और इंडियन प्लेट जो है वो आकर के यूरेशियन प्लेट से टकराई है, तब जाकर के यहां पर आपका हिमालयाज और तिब्बत का जो पठार है वो दोनों जो है बने। उसके बाद आपका आता है कोलंबिया या स्नेक प्लेट्यू, ये आपका वॉशिंगटन, ओरेगॉन और इडाहो जो USA में ये स्थापित है आपका कोलंबिया प्लेट्यू, फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का जो आपका इरप्शन होता है उससे ये बना है। बेसाल्ट लावा यहां पर पाया जाता है, बेसाल्ट लावा की परत जो है वो यहां पर पाई जाती है और उससे ये जो आपका प्लेट्यू है वो बना है। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है कोलोराडो। कोलोराडो का जो पठार है ये साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ USA है। अगर आप USA को इस तरीके से लेकर के चलें नॉर्थ अमेरिका में, यहां पर अगर आप नॉर्थ अमेरिका मान के चलें तो साउथ वेस्टर्न जो पार्ट है आपका USA का, यहां पर आपका ये कोलोराडो का प्लेट्यू जो है वो मिलता है। दक्कन प्लेट्यू इंडिया का ये प्लेट्यू है, आप सभी जानते हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में ये प्लेट्यू जो है वो पाया जाता है, दक्कन का पठार, और लार्जेस्ट ये प्लेट्यू है इंडिया का। इट्स वॉल्केनिक बेसाल्ट जो है यहाँ पर भी पाया जाता है, लावा पठार भी हम इसीलिए इसको कहते हैं, और दक्कन ट्रैप जो है उसके इरप्शन से ये बना है। किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में है, किम्बरली का पठार, आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये आपका पठार है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। कटांगा प्लेट्यू, कटांगा प्लेट्यू क्या है आपका, कॉन्गो, अफ्रीका में जो कॉन्गो देश पड़ता है वहां पर ये कटांगा प्लेट्यू पाया जाता है। मास्करेनी प्लेट्यू आपका इस जगह पर एशिया के पास, अगर आप यहां पर इंडिया को ले लीजिए और ये मिडिल ईस्ट का एरिया आप ले लीजिए तो इस जगह, यानी ये जो आपका इंडियन ओशन अगर है तो यहां पर आपका जो है मास्करेनी प्लेट्यू पाया जाता है, समुद्र के बीच में ये प्लेट्यू है, आप इसको ध्यान रखिएगा। कुछ इकलौते जो दुनिया में कुछ थोड़े बहुत ही प्लेट्यू है जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, उन्हीं में से एक आपका है मैस्करीन प्लेट्यू, आप इसको याद रखेंगे। सेकेंड लार्जेस्ट अंडर सी प्लेट्यू इन द इंडियन ओशन आफ्टर
कैराग्विलीन प्लेट्यू फॉर्मड ऑफ ग्रेनाइट एंड इज फ्रेगमेंट ऑफ द एंशियंट, जो आपका पेंजिया मैंने आपको बताया था उसी से रिमेन्स जो है वो आपके यहां से निकल करके आए। सेकेंड लार्जेस्ट अंडर सी प्लेट्यू है, अंडर सी प्लेट्यू है कैराग्विलीन प्लेट्यू के बाद। कैराग्विलीन प्लेट्यू वो भी इंडियन ओशन में ही है। कैराग्विलीन पहले नंबर पे है, मस्करीन दूसरे नंबर पे है, और दोनों मैंने आपको बताया कि अंडर सी क्यों बने हैं। ये इसीलिए बने हैं कि जो पहले आपका पेंजिया हुआ करता था तो इंडियन प्लेट जो गोंडवाना लैंड है वो जाकर के जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो रिमेन्स जो नीचे रह गए आपके लैंड के वही आपके प्लेट्यू के रूप में जो है वो स्थापित हो गए। फिर आपका आता है मैक्सिकन प्लेट्यू। मैक्सिकन प्लेट्यू मैक्सिको जो है आपका साउथ एशिया साउथ अमेरिका जो है उसका एक कंट्री है ये, इस तरीके से मैक्सिको यहां पर मैक्सिकन प्लेट्यू। पैटागोनियन प्लेट्यू अर्जेंटीना, ये भी जो है लैटिन अमेरिका में है आपका अर्जेंटीना, वहां पर ये प्लेट्यू है। वेरी गुड मॉर्निंग विकास भास्कर विश्वकर्मा एंड अवनीत गौतम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप ये सेशन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट ये सेशन है। बोलिविया प्लेट्यू, ये भी आपका बोलिविया भी जो आपका है, चाहे वो आपके अर्जेंटीना हो, ब्राजील हो, मैक्सिको हो, बोलिविया हो, तो वेनेजुएला हो, ये सारे आपके लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं। मैसिव सेंट्रल, ये फ्रांस में मिलता है, यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में जो आपका फ्रांस कंट्री है वहां पे मसीफ सेंट्रल करके जो है ये आपको मिलता है। एंड इट इज फेमस फॉर ग्रेप्स कल्टीवेशन, अंगूर की खेती के लिए जो है ये मशहूर है, अंगूर की खेती। एंटालोनियन एनाटोलियन प्लेट्यू, एनाटोलियन प्लेट्यू आपका ये भी टर्की में है, यूरोप की जो कंट्री है टर्की वहां पर आपको एनाटोलियन प्लेट्यू मिलता है, और इसके लिए जो मशहूर है, ये क्यों मशहूर है आप इसको याद रखिएगा, अक्सर पूछ लेते हैं। एनाटोलियन प्लेट्यू इट इज फेमस फॉर इज वूल प्रोड्यूसिंग गोट, जो अंगोरा बकरी होती है, आपने नाम सुना होगा अंगोरा बकरी या अंगोरा गोट जो होती है आपकी, जिसका वूल जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, उस गोट से निकलने वाला जो ऊन होती है वूल, उसके लिए ये मशहूर है, और वहां पर ये पाई जाती है टर्की में। और एनाटोलियन प्लेट्यू जो एनाटोलियन पठार है वहां पर ये आपको मिलती है, और इसको एशिया माइनर भी हम कहते हैं, एशिया माइनर। टर्की को वैसे भी जो है यूरोप के जो बाकी कंट्रीज हैं उसके कंपेरेटिवली टर्की जो है वो एक थोड़ा कम डेवलप्ड कंट्री है, इसीलिए हम उसे सिक ऑफ यूरोप भी कहते हैं, यूरोप का बीमार देश जो है वो भी टर्की को कहा जाता है, वो थोड़ा सा बीमार पड़ गया है ऐसा माना जाता है, और एशिया माइनर भी हम इसको बोलते हैं। लॉयस का प्लेट्यू, ये चाइना में पाया जाता है, चाइना में जो लॉयस जगह है वहां पर उसको हम कहते हैं। हुआंग टू प्लेट्यू भी हम इसको बोलते हैं, हुआंग टू प्लेट्यू, और फेमस फॉर हाईली इरोडेबल सॉइल ऑन अर्थ, यहां पर पाई जाने वाली जो आपकी सॉइल है वो हाईली इरोडेबल है, बहुत जल्दी जो है उसका अपरदन हो जाता है, बहुत जल्दी जो है उसका अपरदन हो जाता है। पॉन्थोहार प्लेट्यू, पॉन्थोहार प्लेट्यू ये पाकिस्तान में पाया जाता है, और ईस्ट में ये झेलम नदी और वेस्ट में ये इंडस रिवर, बिल्कुल ये पास में ही जो है पाया जाता है आपके इंडिया बॉर्डर के पास ही, तो यहाँ पर ये जो है आपका इंडस रिवर और झेलम रिवर जो है इसके बीच में ये आपका पाया जाता है पॉन्थोहार प्लेट्यू। बवारियन प्लेट्यू, ये जर्मनी में पाया जाता है बवारियन प्लेट्यू, और एल्पाइन फोर लैंड भी हम इसको कहते हैं, और फेमस है ये आइस एज एंड हैज अ वेरी रिच वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स, कई तरीके की जो है वो यहाँ पर रिच वैरायटी पाई जाती है। अहगारा प्लेट्यू अल्जीरिया, अफ्रीका का जो कंट्री है अल्जीरिया, अहगार प्लेट्यू वहां पर पाया जाता है, इसको हम होगार भी कहते हैं, और रीजन इज कंपोज ऑफ ब्लैक वॉल्केनिक बेसाल्ट, जो काला लावा जो होता है ज्वालामुखी का बेसाल्ट उससे मिलकर के ये बना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्लेट्यू है जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम ना आए एग्जाम में। प्लेट्यू से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो अभी आप उसको कर सके, सारे ही कॉन्टिनेंट जो है उसके प्लेट्यू मैंने आपके साथ कवर किए, चाहे वो एशिया में चाइना इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे अफ्रीका में कॉन्गो और अल्जीरिया हो, इंडियन ओशन में चाहे आपका जो है वो मस्करीन प्लेट्यू हो, कैरिगुलीन प्लेट्यू हो जो सबसे ऊंचा प्लेट्यू है जो कि अंडर वाटर है, उसके बाद चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो या फिर हो यूरोप, सारे ही प्लेट्यूज जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इसको जो है बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में अक्सर जो है वो क्वेश्चन आते रहते हैं प्लेट्यूज से रिलेटेड, अच्छे से आप जो है वो इसको पढ़ लीजिएगा। एक दो प्लेट्यू और रह गए, मुझे नाम याद आ रहे हैं कुछ एक प्लेट्यू के,
Kimberley Plateau. Kimberley Plateau. मैंने कवर किया है क्या Kimberley Plateau? Kimberley Plateau ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया. इसका मतलब जितने भी मेजर कॉन्टिनेंट हैं आपके, और Kimberley Plateau के भी बारे में आप ध्यान रखेंगे. जैसा कि इंडिया के प्लेट्यू है या इंडियन ओशन का जो प्लेट्यू है हमारा मास्करीन या फिर कैरागुलिन, जो पैंजिया के विभाजित होने से, जो मैंने आपको बताया पैंजिया गोडवाना लैंड ऊपर चला गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो नीचे आ गया, उसी का रिमेन्स जो है वो आपका Kimberley Plateau भी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलता है. तो ये कुछ टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट जो है वो अपडेट्स थी प्लेट्यू को रिलेटेड से. उससे पहले मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट में जो आपका जो सुबनसिरी नदी पर जो आपका डैम बन रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है, उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है और किस तरीके से जो है आपके एनजीटी के उस पर होल्ड लगे होने के बाद भी जो है वो प्रोजेक्ट अब जाकर के शुरू हुआ है, अब जाकर के जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है. तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप याद रखेंगे. और उससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, जैसा कि हम मान रहे थे कि 21st सेंचुरी जो है वो एशिया का सेंचुरी होगा, लेकिन एनवायरनमेंट की वजह से वो जो आपका प्रोसेस है वो थोड़ा सा हॉल्ट हो गया है, वो प्रोसेस जो है वो अब रुकने की उम्मीद लग रही है. तो अगर आपको, अगर आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को जो है वो लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल पर आप अकेडमी को फॉलो करिए. बेल नोटिफिकेशन आइकन को आप जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट जो है अकेडमी का वो आपसे मिस ना हो. आज मेरी स्पेशल क्लास भी है दोपहर में 1 बजे CHSL के लिए. मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो आपके साथ रिवाइज करूंगा, कोशिश करूंगा 150 से 200 फैक्ट्स जो है करंट अफेयर के वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं. अनअकैडमी प्लस पर मेरा ये क्लास है, तो आप में से जो भी अनअकैडमी प्लस को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो मेरे क्लास को अटेंड करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करिए. और ये लाइव यूटी रेफरल कोड जरूर आप ध्यान रखिएगा, लाइव यूटी, ताकि आपको आपके फीस पर जो है 10% का डिस्काउंट मिले. एंड इन माय ओपिनियन यू शुड गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, 1 या 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर आप जाइए, क्योंकि उसका प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है और एजुकेटर्स का क्वालिटी जो है, एजुकेटर्स के पढ़ाने का तरीका और अनअकैडमी का भी जो एक इंटरफेयर, जो एक इंटरफेस है, टेक्निकल इंटरफेस जिसमें कि हम सारे एजुकेटर्स आपसे जुड़ते हैं, दिन पे दिन वो इम्प्रूव हो रहा है. कोई भी आपको नहीं रोक सकता आपके ड्रीम जॉब को लिव करने से, कोई भी नहीं रोक सकता या आपको आपका ड्रीम जॉब ना मिल पाए. बस आप मेहनत करते रहिए और हम लोगों के साथ पढ़ाई करते रहिए. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट so that you can perform best in your examination. So that's all for the day. Let's crack it. Thank you. Thank you very much. Thank you.